दोस्तों मैं मित्तल आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल माउंटेन रॉक्स में। तो आप कैसे हैं? तो आज चलिए आइए आपको दिखाते हैं आज बनारस गंगा घाट का दृश्य, सिर्फ और सिर्फ आप पूरी तन्मयता के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 80 घाट पे ही सुबह के टाइम पे योगा अभ्यास चल रहा है और यहाँ पे बहुत ही शानदार नजारा है बनारस के 80 घाट से, जो कि सूर्य उदय होने पे गंगा में इसका प्रकाश जब पड़ता है, सूर्य का प्रकाश तो इतना अच्छा से शाइनिंग करता है। देख सकते हैं कि बनारस का जो सुबह सुबह का व्यू है कुछ इस तरह। गंगा जी में थोड़ा पानी कम हुआ है तो इस पार से उस पार का नज़ारा भी देख सकते हैं कि नज़दीक में दिख रहा है। यहाँ तक कि पानी होता है लेकिन अभी पानी थोड़ा कम है। काशी के 80 घाट पे हैं हम लोग जो अभी। सुबह सुबह के बनारस के घाटों की अलग ही बात है। सुबह सुबह लोग नहा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं 80 घाट के बगल में गंगा महल घाट पे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रीवा घाट। बनारस के घाटों की अलग ही बात है। इतना यहाँ पे इतना अच्छा लगता है, जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग बनारस आए हुए थे तो सोचा कि चलो गंगा घाट का दर्शन कर लिया जाए, थोड़ा घूम फिर लिया जाए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मैदागनी घाट। 80 से चलते चलते और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह टहल के, जो मज़ा बनारस के घाटों पे घूमने का है वो कहीं भी
और अच्छा नहीं लगता जितना कि यहाँ पे लगता है। अभी हम लोग आ चुके हैं जानकी घाट। शेरीलाल जैन घाट आ गए। देख सकते हैं कि मोदी जी के राज में यहाँ पर थोड़ा साफ सफाई का कार्य बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरह से हो रहा है, जो कि सुबह सुबह गंगा घाट की सफाई भी करते हुए लोग। गंगा घाटों पे कुछ इस तरह का पेंटिंग भी बनाया हुआ है जो कि इतना अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसा कि होली का माहौल है अभी चल रहा है, तो आज बनारस में श्मशान होली होने वाला है 11 से 2 बजे के बीच में। आप इस बकरे को देख सकते हैं कि ये कहाँ बैठा हुआ है। बकरे का दृश्य कुछ अलग ही। जैसा कि आपने देखा कि बनारस से गंगा घाट का अलग ही दृश्य है, तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तो अभी वीडियो में बने के लिए धन्यवाद। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए।